आज हमारे पास एक गाड़ी आई है जो मर्सिडीज़ GLA 200D है, जो कि इसको हम देखेंगे कि इसमें टूल लगा के कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, पूरे डिटेल हम लोग इसका चेक करेंगे, जो कि हमारे सर बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि टूल को कैसे यूज करते हैं और इसमें क्या क्या फंक्शन है सब। नमस्कार, नमस्ते सभी भाइयों को। आज हमारे सामने जो गाड़ी है, जो कि भाई ने बता दिया ऑलरेडी कि कौन सी गाड़ी है, और जो हमारे पास डिवाइस है वो है एक्स टूल का ST80, जो कि ये वीडियो जो रहेगा प्रॉपर एक रिव्यू पर रहेगा वीडियो मर्सिडीज का, कि इस गाड़ी का क्या क्या वर्क करता है, ST80 क्या क्या फंक्शन है, सारे कैसे कैसे यूज करना है, क्या क्या इसमें फंक्शन है, जो भी है स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा ST80 के मदद से। ठीक है, जो कि जो हमारे भाई हैं, जो कि हम एक डेढ़ मंथ से इनको काम सिखा रहे हैं, आज ये वीडियो काम करके भाई बताएगा। ठीक है, अब आगे सर वीडियो आपने देखना है, सर को मुन्ना सर को भी और सर को भी जो इस टूल के बारे में बताए। मीटर पर शो करो, ठीक है, ये डिवाइस हो गया, सीरियल नंबर ढको एक बार, ठीक है, ढकना है तेरे को, इधर इधर करो, ये ST80 हो गया, ठीक है, अब कर दो इधर, बैक करो, चलो छोटू अब प्रॉपर तुझे सारी फोल्डर के बारे में बताना है, स्कैन कैसे होती है, क्या क्या फोल्डर है, क्या क्या इसमें गाड़ी में ये कैसे कैसे काम करे, वो सारी चीजें तुझे बताना है, ठीक है, हमको कुछ नहीं मालूम, तुझे बताना है, ठीक है सर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने OBD केबल लगा दिया है, बिल्कुल रहेगा, उसको लगाने के बाद हम लोग आएंगे ऑटो स्कैन पे, यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो जो सारे फंक्शन है वो धीरे धीरे ओपन हो जाएंगे, ऑटोमेटिक है स्कैन, ऑटोमेटिक स्कैन कर रहे हैं। मीटर की तरफ देखो, चलो ऑटो स्कैन हो गया, अब यहाँ पे सारे बता दिए कि कौन सा मॉडल है, इसका विन नंबर क्या है, सारी डिटेल हमारे पास, मॉडल सीरीज भी बता रहा है कि ये डीजल है कि पेट्रोल है, सब बता देगा ये, राइट। और फिर उसके बाद इसको कैंसिल करके, कैंसिल कर दो, अब हमारा पूरा सिस्टम फिर से बताएगा, फिर उसके बाद ओके कर देंगे। और फिर इसमें दो ऑप्शन है, एक ऑटोमेटिक आप स्कैन कर सकते हो कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी नहीं है, और एक आप सिस्टम सिलेक्शन करके, मतलब मिड्यूल वाइज, मिड्यूल वाइज आपको स्टीयरिंग में प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट स्टीयरिंग में जाओ। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये भाई हमारे पास ये डेढ़ मंथ से काम कर रहे हैं, डेढ़ मंथ की एक महीना ही अभी हुआ, अभी एक ही महीना, एक महीना, और इस भाई को मैंने हर एक स्कैनर पर मैंने ट्रेनिंग दिया और एक महीना में बहुत बढ़िया परफेक्ट चलाना सीख गया है ना पापा भाई, जो कि ये समझाएंगे, यही आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि ये भाई कितना जल्दी कवर किया, कवर। चलो जी, अब ऑटो स्कैन के बारे में बता दो, अगर ये सिस्टम अगर क्लिक करेंगे तो पूरी गाड़ी के एक ही बार में स्कैन कर लेगा, उसको भी दिखाओ, अब मैंने तुमको क्यों बोला ऑटो स्कैन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पता अच्छा ये मैं बता देता हूँ, इसको बोला जाता है टोपोलॉजी, हाँ इसको टोपोलॉजी सिस्टम, और इसको लिस्ट के में कर रहा है तो ये रहा, तो मैंने इसलिए तुमको बोला ऑटो स्कैन करने के लिए, ताकि पता चले कि जो ये गाड़ी है, इस गाड़ी में जो ये स्कैनर है ये 93 मॉड्यूल को कवर किया, यहाँ पर समझो 93 सेंसर को कवर किया, वो मॉड्यूल चाहे सेंसर इतना को कवर किया, ठीक है, अब स्कैन हो जाने दो, देखिए 78 कर दिया है, अब धीरे धीरे बहुत तेजी कवर कर रहा है, तो देखो इसने पूरा स्कैन कर लिया कि कौन कौन से फॉल्ट है, कौन से फॉल्ट नहीं है, अब ऐसे कस्टमर तो बताया नहीं कि क्या क्या काम इसमें करना है, कुछ अलग काम से ही आई है, इसलिए हम इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रिपोर्ट सामने लाओ, पहले हाँ। रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं पूरा, टोटल इतनी इसमें कमियां हैं, जो कमियां हैं वो मेरा कोड यहाँ पे दे रहा है कि कौन कौन सा प्रॉब्लम है, लेकिन फिलहाल कस्टमर ने कोई
कहा ही नहीं कुछ करने के लिए, इसलिए हम इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोई और काम से आइए, वो काम इसका होगा, बैक करो। अब फिर हम इसका रिव्यू वीडियो बना रहे हैं, आपको इसकी पावर बता रहे हैं कि एक्सटूल का ये जो ATXD है वो कितने अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने ऑटो स्कैन करके आपको बता दिया कि ऑटोमेटिक कैसे स्कैन कर रहा है। अब फिर अब सिस्टम सिलेक्शन में जाते हैं। जैसे मान लो अगर हमको स्टीयरिंग के बारे में जानना हो तो हम पूरा स्कैन क्यों करें, क्योंकि पूरा काम तो हमें कराना नहीं है, अपना टाइम बचाना, टाइम भी बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम जाएंगे सिस्टम सिलेक्शन में, और सिस्टम सिलेक्शन में जाने के बाद अगर हमें ड्राइविंग से रिलेटेड कोई चीज़ जाननी हो तो ड्राइव पे क्लिक करेंगे, और फिर इसका चेसिस वो चीज़ जब सस्पेंशन काम करते हैं तो चेसिस पे जाएंगे, और इसकी बॉडी से रिलेटेड कि इसकी बॉडी में फार्म है, कहाँ से लीकेज है, क्या है, ये सब के बारे में हम बॉडी में जाके इन्फॉर्मेशन लेंगे। एक स्टार्टिंग से दिखा दो। अब जैसे मैं ड्राइव से अगर लेके रिलेटेड दिखाता हूँ तो यहाँ पे आता है मोटर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब मोटर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी ये सिस्टम है सबको आप ये जहाँ क्लिक करोगे पूरा स्कैन करके बता देगा सेंसर में कहाँ से कौन सी प्रॉब्लम है, और ट्रांसमिशन कंट्रोल भी है इसमें, मतलब गियर बक्से के आसपास जितने सेंसर होते हैं सारे कुछ इसमें दिए गए हैं। फिर कंट्रोल यूनिट, जितने कंट्रोल यूनिट होते हैं इसके, सस्पेंशन के, स्टीयरिंग के, ब्रेक के, क्लच के, जो कंट्रोल यूनिट होता है पूरा कंट्रोल पैनल इसमें होता है। फिर ऑल व्हील ड्राइव भी दिया है, बाकी बहुत सारे सिस्टम है भी, तो है हम सामने फोल्डर मैं पहले पे ही खोल के आपको पूरी तरीके से दिखाता हूँ कि क्या क्या फंक्शन है। पकड़ो, अब यहाँ पे आ गया रीड ECU इन्फॉर्मेशन। हम ECU के इन्फॉर्मेशन मतलब कि इलेक्ट्रिक कंट्रोलर यूनिट के जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या बता रहा है, क्या सेंसर को कितना वोल्टेज देने को बोल रहा है, ये सब इससे पता चल जाएगा। और फिर हम लोग कोड भी रीड करना हो तो इससे कर सकते हैं। ये सारे ECU का इन्फॉर्मेशन है कि ECU में कौन कौन सी सॉफ्टवेयर कौन सी है, सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, ओके करते हैं। एक्चुएशन टेस्ट में चले जाओ, ये सब टेस्ट हो जाएगा, बताओ स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे कंडेंसर सेंसर, कंडेंसर के आगे जो हम लोग का जो सेंसर लगा होता है उसके बारे में जो भी चेक करना हो कि वो सही है कि नहीं है, कौन से पोजीशन में कितना वोल्टेज उसमें करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये हम इससे तुरंत चेक करके बता सकते हैं। फिर टोटल बॉडी का कितना वैल्यू है, क्या कितना एयर दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, और फिर प्रेशर कितना लो हाई, ये सब हम इससे कवर कर सकते हैं। यहाँ तक कि कूलेंट का टेम्परेचर भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो कूलेंट टेम्परेचर यहाँ पे, मतलब कूलेंट का कितना टेम्परेचर हो रहा है, कितना उसका हीट है, वो भी यहाँ से पता चल जाएगा। और फिर कूलेंट पंप स्विच, फिर इंजेक्टर, इंजेक्टर को कैसे ऑन ऑफ करना है, डीजल की गाड़ी है ना, हाँ डीजल गाड़ी है तो ये चेक कर सकते हैं ऑन ऑफ करके। हाँ बैक, ये सारी फोल्डर हो गया। अब पीछे आते हैं सर, और पीछे स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन में टीचिंग प्रोसेस। अब मान लो कि एक एग्जांपल है, मैं अगर डीजल की गाड़ी है तो इंजेक्टर कोडिंग करना है, ठीक है, तो वहाँ पर देखो क्लिक करो, इंजेक्टर में इसमें आ जाओ, देखो अगर ये टीचिंग करना है तो ये सारी चीज़ें फोल्डर है, आप इस चीज़ को टीचिंग कर सकते हो जो ऑफलाइन हो। ध्यान रखना ST80 इतना ऑनलाइन काम नहीं करता, ये ऑफलाइन करता है। तो जो भी लग्जरी सेक्टर की बात बता रहे हैं, जैसे जो भी ऑनलाइन काम होता होगा वो नहीं होगा, ऑफलाइन काम हो जाएगा, बाकी आगे देखा जाएगा ऑनलाइन का ना। अगर मान लो इंजेक्टर का ये सारी इंफॉर्मेशन होता है, ओके, इसका इंजेक्टर चेक करके बताओ, ये चार सिलेंडर की गाड़ी है, ये इंजेक्टर नंबर है, हाँ बताओ, ये सामने जो मतलब हम लोग की गाड़ी में जो इंजेक्टर लगे होते हैं, चार इंजेक्टर है, चार सिलेंडर की गाड़ी है तो चार इंजेक्टर होंगे जिससे फ्यूल प्रॉपर स्प्रे होता है, तो उनकी जो कोडिंग है, की नंबर है, ये चारों इंजेक्टर की जो कोडिंग की गई है जो कंपनी से, हाँ वो नंबर यहाँ पे भी शो कर। अगर मान लो किसी भाई को अगर इंजेक्टर कोडिंग करना है तो भी बताओ कि इनपुट पर क्लिक करना, कहाँ पर, इनपुट पे, ठीक है, इसके बाद इसमें जो इंजेक्टर के वैल्यू डालोगे, ओके करोगे, वो वैल्यू सेट हो जाएगी, सेट हो जाएगी, यानी कि इंजेक्टर कोडिंग भी कर सकते हैं। बैक चले जाते हैं, ये सारी बता दिया, ये सारी चीज़ें टीचिंग हो सकता है, ठीक है, क्लियर आ रहा है।
क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट कोड में सिर्फ दिखा देते हैं, और जो भाई रात दिन काम कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा फोल्डर देख के ही। ठीक है, अब चचिस से कुछ दिखा दो, ये सारे फोल्डर है सामने। ठीक है, हो गया। ये सब इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग के बारे में है, फिर इलेक्ट्रिक वो कैलिब्रेशन भी इससे किया जा सकता है, तरह तरह के पूरे फंक्शन है। एक एक फंक्शन अगर हम बताने चलेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बड़ी हो में मैंने क्लिक किया, बड़ी में दिखाओ कितनी इतनी सारी फोल्डर है। अब बॉडी से रिलेटेड आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक इग्निशन और लॉक कर सकते हो, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। फोल्डर क्लियर आ रहा वीडियो में? हाँ, वीडियो क्लियर है। ये यहाँ पे बैटरी मैनेजमेंट का भी दिया है, जैसे ये सब बड़ी गाड़ियाँ होती हैं तो इसमें एक बैटरी नहीं होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बैटरी होती है जो कि इसके सीट के अंदर यहाँ होती है, क्योंकि इसे पावर पावर प्रोवाइड करा सके। ये गाड़ी हैवी है तो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा करंट कंज्यूम करती है। बैक करूँ? हाँ ओके। हाँ जी सर, एयर कंडीशन कंडीशन भी आपका। बैक के चल जाते हैं, स्पेशल फंक्शन में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखो स्पेशल फंक्शन में दिखाओ, ये सारी चीज़ें हैं, दिखाओ स्टेप। अब अगर स्पेशल फंक्शन में आप देखोगे तो इसमें, अब मैंने तो ये तो बताया है आपको, मोटर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर आ गया ट्रांसमिशन कंट्रोल में, फिर आ गया कंट्रोल यूनिट, पावर ट्रेन, मतलब PTCU जो कि पूरे पावर स्टीयरिंग से रिलेटेड है, सस्पेंशन से रिलेटेड है, क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ये सब डायग्नोसिस से करते हैं। और तरह तरह की, और जैसे एयर कंडीशनर, मतलब कि AC, जो AC हम लोग का होता है, उसके बारे में भी आप यहाँ से, ये भी बॉडी में आ गया। इसके जो सेंसर हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसर लगे होते हैं, हर एक चीज़ को आप स्टेप बाई स्टेप, हम लोग स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं। अगर हम लोग ऑटो स्कैन में जाएंगे तो सारा पहले ही बता देगा, लेकिन उससे होता है कि टाइम, अगर इससे करेंगे तो टाइम बचेगा। बैक जाए। ओके, ये सब डैश कैलिब्रेशन वगैरह है, तो चलो इतनी दिखाना था, है ना, डायग्नोस्टिक से रिलेटिव। यहाँ पर रिपोर्ट मैं पिछला वीडियो में भी हम लोग शायद बता चुके हैं, अगर रिपोर्ट डालना हो तो डाल के दे सकते हो, जिससे कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम होगी कि ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व की लेकिन फिर आ गई, तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं, देखो ये प्रॉब्लम थी और ये मैंने सॉल्व कर दी है, तो इसमें खुद सो करेगा पूरा, और इसका आप प्रिंट भी निकाल के रख सकते हो। तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, क्योंकि सेव करना तो है नहीं हम लोगों को। बैक कर दो। बैक कर देते हैं। अब इसमें और क्या क्या सिस्टम दिए हैं, हम लोग ऑटो स्कैन भी कर सकते हैं, स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन में बाकी जैसे जैसे हमारे पास जब गाड़ी की प्रॉब्लम आएगी हम वैसे ऐसे वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे, जिससे आप लोग को सीखने में आसानी होगी और आप लोग इस टूल को एकदम अच्छी तरीके से चला सकते हो, और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके अपना पैसा भी कमा सकते हो और तो नॉलेज को भी बढ़ा सकते हो। राइट। तो दोस्तों आपने वीडियो देखे, ये जो हमारे छोटे भाई हैं काफ़ी बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप बताए, और एक महीने में मुझे लगा कि काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है स्कैनर के, क्योंकि हर एक स्कैनर से काम कर चुके हैं, स्टूल के जितने भी डिवाइस हैं लगभग सब पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगा तो ज़रूर वीडियो का शेयर करना, और समझना कि ये भाई किस तरीका से ST80 के बारे में रिव्यू बताएं मर्सिडीज का। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।